भारतीय वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा से चलने वाले सुपर विमान का आविष्कार किया है। यह एक बार उड़ान भरने के बाद 90 दिनों से अधिक समय तक दुश्मन की निगरानी करता रहेगा। इसके अलावा दिन रात में दुश्मन का पता लगाने और युद्ध क्षेत्र संचार जैसी विभिन्न भूमिकाएं निभा सकता है। एरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में भारत लगातार आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है। अब देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बेंगलुरु स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट विकसित किया गया है। खास बात यह है कि यह विमान लगातार 90 दिनों तक आसमान में उड़ान भरने में सक्षम है। बता दें कि भारतीय एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसके पास हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म बनाने की क्षमता है। भारत के वैज्ञानिकों ने युद्ध के दौरान दुश्मन की निगरानी और टोह लेने के लिए ये सौर विमान बनाया है। इसकी खासियत यह है कि ये दुश्मन पर नजर रखने के साथ ही पेलोड ले जाने में सक्षम है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने इसके सभी पहलुओं का परीक्षण किया है। वैज्ञानिकों ने इसे 10 घंटे तक लगातार उड़ाकर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। NAL द्वारा विकसित ये सौर विमान पूरी तरह से मानव रहित है। ये 17 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है, साथ ही आसमान में दिन रात संचालन करने में सक्षम है। विमान बनाने वाली कंपनी NAL के अनुसार सौर विमान युद्ध के समय सतत निगरानी के अलावा वायु रक्षा हथियार के रूप में काम कर सकता है। विमान में पेलोड और सभी उड़ान उपकरण लगाए गए हैं। NAL के HAPS कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर एल वेंकटकृष्णन ने इसके बारे में पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह सौर विमान सैटेलाइट की तुलना में काफी सस्ता है। परीक्षण के दौरान विमान ने 8.5 घंटे से अधिक की उड़ान क्षमता समेत सभी मानकों को पूरा किया है। ये विमान 150 से 200 मीटर लंबे क्षेत्र से उड़ान भरने के लिए सक्षम है। ये 90 दिनों से ज्यादा समय तक आसमान में रह सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि एक बार सही सेंसर से लैस होने पर सौर विमान की नजरों से दुश्मन देश की कोई भी हरकत छिप नहीं सकती है। बता दें कि ऐसा सौर विमान अब तक एयरबस J-Fire है। इसने अमेरिका के एरिजोना रेगिस्तान में 64 दिनों तक लगातार उड़ान भरी थी। अमेरिका के अलावा UK, जर्मनी, न्यूजीलैंड भी ऐसा विमान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।